ग्रेटर पीपलैंड में है कि कोई भी इंडिजिनियस पर्सन हु इज अ इंडिजिनियस पर्सन फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी एनी विलेज विल नॉट बी लेफ्ट आउट. वी हैव सफर्ड द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा हैव सफर्ड फॉर 70 ईयर्स एंड देन वेन यू पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वी वेंट थ्रू द इंटायर टर्मोइल ऑल ओवर अगेन. टूडे इन आर लैंड वेर वी वर वंस इन कंट्रोल वी आर नाउ ओनली 30%. एंड जब सेंसिस होगा 2025-26 में तब वी विल बी डाउन टू 20%. यू फिनिश द ओरिजिनल पीपल ऑफ द लैंड एंड वॉट हैव यू गिवन अस इन रिटर्न? नथिंग. आज हम लोग का लैंग्वेज खतरे में है, आज हमारी कल्चर खतरे में है. तो आप जब हम ये इसके बारे में बात करते हैं तो हमको क्या ऑफर में मिलता है? हम आपको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना देंगे. दिस इज नॉट वॉट वी वॉन्ट. वी वॉन्ट ग्रेटर पीपल लैंड. अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जैसे उन्होंने ब्लू प्रॉब्लम सॉल्व किया, आई एम रिक्वेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि आप तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं. हमारे आप जो प्रॉब्लम है वो जेन्यून प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए. हम तैयार हैं, लेकिन हम इसका सेटलमेंट, परमानेंट कल्चरल आइडेंटिटी सेटलमेंट चाहते हैं. हमको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए. हमको इसमें त्रिपुरालैंड में हमको राजनीति नहीं करनी है. द पीपल ऑफ त्रिपुरा, द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा वॉन्ट त्रिपुरालैंड. प्लीज सॉल्व दैट इश्यू. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर प्राइम मिनिस्टर के पास हैज अ बेटर आइडिया, वी आर विलिंग टू टॉक टू हिम. इफ राहुल गांधी हैज अ ग्रेट आइडिया, आई एम विलिंग टू टॉक टू हिम. बट प्लीज एक्सेप्ट दैट दिस इज अ जेन्युइन डिमांड विच हैज कम ओवर द इयर्स एंड आई वॉन्ट अ सोल्यूशन टू इट. नाउ आई हैव अ व्यू ऑफ त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड. दे मे हैव अ व्यू ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड, पर पहले बैठो और एक्सेप्ट तो करो और दिल्ली में बैठ के बात करो. मैं अगरतला में क्यों बात करूं ग्रेटर त्रिपुरालैंड का? दिस प्रॉब्लम वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ डेली टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. So New Delhi will have to solve it. This cannot be solved by the people who have come across the border and today will tell us to solve the problem. मगर अगर आपका आपके personal standpoint के बारे में बात करें तो आपका जो problem हुआ कांग्रेस के साथ वो basically CA और NRC लेके पार्टी का जो NRC का, देखिए मैं आपको बताता हूँ. जब मैं NRC मैंने फाइल कर दिया था केस, उसके बाद कांग्रेस ने मुझे बनाया कांग्रेस प्रेसिडेंट. मेरा प्रॉब्लम था CA में, मैं CA का अपोज कर रहा था एंड मुझे मेरे जनरल सेक्रेटरी ने कहा और मीडिया में भी कहा कि यू कैन नॉट गो अग्रेसिवली ऑन CA इन त्रिपुरा बिकॉज वोट में इफेक्ट होगा. मेरा कहना है कि अगर आप असम में यू कैन प्रोटेस्ट, दिल्ली में यू प्रोटेस्ट, वेस्ट बंगाल इन मध्य प्रदेश इन महाराष्ट्र यू प्रोटेस्टिंग, इन मेघालय यू प्रोटेस्टिंग, और मेरे स्टेट में जहां में मेरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं CA के लिए, आप बोलते मत करो क्योंकि यहाँ में वोट बैंक इफेक्ट होगा. तो अगर आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी तो मुझे क्यों बनाया प्रेसिडेंट? मैं अपने लोगों को झूठ नहीं बोल सकता हूँ. और आप देखेंगे जब व्हेन आई रिजाइन, आई एम द ओनली पर्सन हु इज लेड द CA मूवमेंट इन त्रिपुरा. द CPM पार्टी जो पूरा बोलती है कि वो वी अगेंस्ट CA, द नेशनल मीडिया शुड नो इन त्रिपुरा मानिक सरकार एंड कंपनी डिड नॉट डू वन प्रोटेस्ट अगेंस्ट CA. द कांग्रेस पार्टी आफ्टर आई लेफ्ट डिड नॉट डू वन प्रोटेस्ट अगेंस्ट CA. It was people like us who fought against CA. And our understanding of CA, we are not against any religion. We are not against any community. We want that. We have already suffered itna. 70 saal se hum suffer karte hain. Aaj hamara population 30% ho gaya hai. Aap aur agar bahar ke logon ko layenge, to hume bahut kharab se effect hoga. Agar aapko rakhna bhi hai, to aap evenly distribute karo. Lekin nahi. They did not listen. And then I had to leave the party. And I had told when I left the party, that I will prove it that you are making a mistake. You are making a mistake by letting me go. I am talking for my people. I am sincere. Those people are not sincere. They are only looking at vote bank. You will suffer. Today the results prove it. मगर कांग्रेस अभी जो हाल ही में असम में चुनाव हुए वहां पे कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था कि वो CA को रोल बैक करेंगे असम में उस एक स्टेट लेजिस्लेशन द्वारा. जबकि जो पॉइंट ऑफ व्यू आप कांग्रेस का रखा है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहा है जो 2 साल पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू था. दूसरी बात, आप कांग्रेस छोड़ने के बाद आपने एक एक्टिव रोल प्ले किया जो ब्लू रिफ्यूजी क्राइसिस जो है उसको सॉल्व करने में आप एक नेगोशिएटर के रूप में आपने सेंटर की भी मदद की. तो यहाँ पे बीजेपी को अगर हम देखें तो असम में जो NRC का प्रोसेस है, असम NRC इज स्टक इन लिम्बो. और बीजेपी कह रही है कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो एक करेक्टेड NRC लाएंगे. तो ये जो कांग्रेस को बोले दीजिए, बीजेपी को बोले दीजिए कि त्रिपुरा में भी वो NRC लाएंगे, हमको क्या आपत्ति है? लेकिन धर्म के आधार में NRC नहीं होगा, आप लाइए. और कांग्रेस को भी बोले दीजिए कि 2 साल पहले जो प्रद्युत बोल रहा था ठीक था, उसके संग अन्याय हुआ. और उसके बाद भी मैं, ये मेरे बारे नहीं है, ये बात है कि मैं अपने लोगों को जाके क्या बोलूं.
हमको सोल्यूशन चाहिए, कोई समझ क्यों नहीं रहा है हमें, मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे मंत्री नहीं बनना है, हमको सोल्यूशन चाहिए हमारे लोगों का। अगर सेंसस 2025 में हुआ, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद हम लोग खत्म हो जाएंगे, द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा विल बी फिनिश्ड। एक 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 कम्युनिटी जो हजार साल से है, आज वो इरेलीवेंट हो जाएगा। इसके लिए हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं। अगर आप हमको बचा सकते हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बचा सकते हैं, तो आप हमको एक सोल्यूशन दीजिए। जैसे आपने ब्रू का प्रॉब्लम को सॉल्व किया, होम मिनिस्टर ने ब्रू का प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लोकली अगरतला में नहीं सॉल्व हुआ, ये होम मिनिस्टर ने सॉल्व किया, तो आप वैसे ही हमारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास मुझसे ज्यादा अच्छा आइडिया है तो आप सामने रखिए, हम बात करेंगे। अगर पूरे उत्तर पूर्व की बात अगर करें तो आपको क्या लगता है कि आप जो स्टैंड पॉइंट है आपका, उससे क्या ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सीए और एनआरसी के ऊपर पूरे उत्तर पूर्व में सिर्फ सियासत कर रही है? अभी सियासत ही तो हुआ है 70 साल से, आपने यहाँ के लोगों का दिल तो नहीं जीता। इसके लिए यहाँ में आपने सिर्फ पॉलिटिशियंस को धनी बनाया है, आपने यहाँ के लोगों को धनी नहीं बनाया है। मैं आपको एक बार और भी बोल दूं, माय मदर वाज एन एमपी, माय फादर वाज एन एमपी, आई आस्क माय मदर एवरी टाइम, आई एम नॉट अ डायनेस्टी, यू सी, आई आस्क देम व्हाट डिड यू डू फॉर अ पीपल, यू शुड हैव डन मोर फॉर अ पीपल, आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन द लेगेसी ऑफ माय पेरेंट्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू इवन डिफेंड पॉलिटिशियंस बिकॉज यू हैव ओनली गॉट पीपल हु हैव गॉन टू दिल्ली एंड सेड व्हाट दिल्ली वांटेड टू हियर। मैं जब आप स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर क्यों नहीं बनाते हैं? आप ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर क्यों नहीं बनाते हैं जो लोगों के बारे बोलेंगे? तब आपको सियासत करने की दरकार नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्ट लीडर्स बनाएंगे जो दिल्ली जाकर जी हजूरी करेंगे, तो ये प्रॉब्लम होगा, आप तब आपको खरीदना पड़ेगा लीडर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लीडर के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए जो लोगों के बारे बात करें, जो इश्यूज के बारे बात करें और जो कड़वा सच भी बोले। पर हमको कड़वा सच तो दिल्ली में नहीं सुनना है। That's why I'm saying we want solutions. We want a settlement. ये बात मैं बोलते जा रहा हूँ। We don't want some political posts, more power. What is more power? It is ambiguous. We want a solution. But and I want the Bengalis and the Tripuris, the Adivasis, the Muslims, the Hindus, the Christians, the Buddhists, all of us to live together. This election में सबने हमको वोट किया। But as a political party, as you move forward, now you'll be running the tribal council and there would be elections in Tripura. क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आपके लिए अनटचेबल रह जाएंगे? मेरे लिए सब टचेबल है। मैं नफरत की राजनीति नहीं करता। जो बीजेपी में है वो भी मेरे कम्युनिटी से है, जो कांग्रेस में है वो भी मेरे कम्युनिटी से है। ये कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा है। ये जो सिविल वॉर चल रहा है सब दिखावट है। शाम में सब बैठकर एक संग चाय पीते हैं और भी कुछ होता है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहता हूँ। आपने मेरा पूरा इलेक्शन देखा, यू सॉ माय होल इलेक्शन। आई डिड नॉट अटैक राहुल गांधी, आई डिड नॉट अटैक आवर प्राइम मिनिस्टर, आई डिड नॉट अटैक मानिक सरकार। आई सेड दिस इज व्हाट वी विल डू, आई लेट अ पॉजिटिव कैंपेन, वी लेट अ पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव राजनीति की। मैंने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, मैंने कहा हम ये करेंगे। और जो एडीसी काउंसिल में हम पावर में आए हैं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव अ ट्रांसपेरेंट करप्ट फ्री अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जहां में कितना पैसा कहां से आता है, कितना पैसा कहां में खर्च होता है, कितने सैलरी में जाता है, कितने रस्ते में जाता है, कितने डिपार्टमेंट में जाता है, इसको हम व्हाइट पेपर करके ऑडिट करके वेबसाइट पे डालेंगे। पब्लिक को भी जानना चाहिए उनका पैसा कहां आ रहा है। और आपने कहा कि त्रिपुरा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक मूवमेंट है। जिस दिन हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हमको दरकार नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए, हम वापस अपने घर में चले जाएंगे। लेकिन ये एक मूवमेंट है, जिस दिन हमको ये सेटलमेंट हो जाएगा, हमको तब राजनीति करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, इस बार जैसे त्रिपुरा में बीजेपी और उसके अलायंस की हार हुई, या फिर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला, लेफ्ट को नहीं मिला, नेशनल पार्टीज का रिजेक्शन क्यों हुआ? और दूसरी बात यह है कि आप जैसे जो यंग रीजनल लीडर्स हैं, वैसे और भी कुछ रीजनल लीडर्स हैं और बहुत स्ट्रांग रीजनल पार्टीज भी हैं, मगर क्यों ये रीजनल पार्टीज आपकी तरह से अकेले चुनाव में आगे आके लड़ना नहीं चाह रही है उत्तर पूर्व? मुझे लगता कि जो स्ट्रेटेजी था, मैं नहीं बोलूंगा कि वो हारे हैं, मैं बोलूंगा मैं जीता हूँ। कुछ लीडर्स की स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने मुद्दे में बात नहीं किया, नोबडी टच द इशू व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट,
उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो शायद दिल्ली नाराज हो जाएगी, और थोड़ा बैलेंस करने की उन्होंने कोशिश किया, और उन्होंने नेगेटिव कैंपेन किया, मेरे मदर के ऊपर अटैक किया, फैमिली के ऊपर अटैक किया, पर्सनल कमेंट्स किया, और हमने जो कैंपेन किया उसमें ना हमने किसी का किसी को भी अटैक किया, और हमने कहा कि हम ये नेगोशिएशन चाहते हैं, अगर हम जीतेंगे तो हम दिल्ली जाकर देश के लीडरों से, दिल्ली में जो लीडर हैं जो सॉल्व कर सकता है उनसे ये बात करेंगे, और उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, हम सौदा नहीं करेंगे। दैट वॉज अ एजेंडा। एंड रिगार्डिंग अदर रीजनल पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट, देर आर सम गुड लीडर्स, देर आर सम गुड पार्टीज, देर आर सम वेरी डायनामिक यंग चीफ मिनिस्टर्स। I would only ask them, and I think they know more than me, and I'm no one to give them any advice, but maybe we should all sit down, and our problems are common, our boundaries are intertwined, we all share a very big boundary with Myanmar, we share a boundary with China, Bhutan, and most importantly with Bangladesh, which has a huge population, and our population is very less. So agar hum log ke log hi nahi rahenge, if our people are not there, then how will you be a leader? If in 10 years Piprasa people are over, if in 10 years Khasis are over, or Garos are over, or Maiteis are over, or Nagas are over, or Nishis or Adis, Galos, or Ahoms are over, Bodos are over, then aap kya netagiri karenge? Aapke paas log hi nahi rahega, to aap neta banke kya karenge? So humko bhi ye sochna hai ki how do we protect our people, not only ethnically, but in terms of our identity, our culture and our social structure. Thanks a lot for speaking to me. Well, I know, Hambai. Thank you.